ऑनलाइन क्लासेस। आई होप कि आपने चैप्टर नंबर 2 के सारे वीडियोस देख लिए होंगे पॉलीनोमियल चैप्टर के और आपको सारे कॉन्सेप्ट्स उसके समझ में आ गए होंगे। एंड टुडे आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, दैट इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर है क्लास 9 के लिए। और इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आगे की जितनी भी क्लासेस आपकी हैं, क्लास 10th, 11th, 12th एंड हायर क्लासेस, सब में आपका एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला जो टॉपिक है वो इन्वॉल्व होता है। ओके, और क्लास 9 का जो फोर्थ चैप्टर है उसमें भी हम इसी चैप्टर से रिलेट करेंगे। तो आपको चैप्टर नंबर 3 जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत अच्छे से आना चाहिए, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसे समझने में। सो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। सबसे फर्स्ट हम देखें कि हमने लोअर क्लासेस में क्लास 6, 7, 8 में नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा है। सपोज कि हमारे पास ये नंबर लाइन है 0, 1, 2, 3 लाइक दिस, एंड इफ आई हैव टू रिप्रेजेंट 3 ऑन दिस नंबर लाइन, तो सिंपली हम क्या करते हैं, नंबर लाइन बनाई, इक्वल डिस्टेंसेस पे आप ये नंबर डिनोट करते हो और 0 हमारा एक रेफरेंस पॉइंट होता है। ओके, कि 0 से 3 स्टेप्स आप राइट में मूव करोगे देन यू गेट द 3। और सिमिलरली अगर मुझे -3 करना है तो 0 से मैं लेफ्ट साइड पर 3 स्टेप पीछे जाऊंगी तो आपके पास क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो यू हैव सम रेफरेंस पॉइंट देयर। अब कुछ केसेस में हमें दो लाइंस है ना, दिस इज अ हमारे पास यहां पर एक लाइन थी, वैसे ही हमारे पास दो लाइंस रिक्वायर्ड होगी किसी भी पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए, कि पॉइंट की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, जैसे अगर हम कुछ केसेस देखें कि सपोज कि आपकी क्लास में कोई नया टीचर आता है या कोई क्लास में टीचर को नाम नहीं पता है स्टूडेंट्स के, न्यू सारे फेसेस हैं, जैसे कि आपकी क्लास है 9th क्लास और मैं नई नई टीचर हूँ अगर आपकी, तो नॉर्मली इफ आई हैव टू आस्क सम क्वेश्चन टू सम एनी ऑफ द स्टूडेंट, तो मुझे नाम नहीं पता है तो मैं उसे कैसे डिनोट करूंगी। ये सपोज कि सेकंड रो थर्ड बेंच पे जो बच्चा बैठा है वो खड़ा होकर इसका आंसर दे, तो सेकंड रो थर्ड बेंच, दैट मींस हमने हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरह से उसका एक रेफरेंस पॉइंट दिया है ना, उसके एड्रेस को इंडिकेट करने के लिए मैंने हॉरिजॉन्टली भी कुछ टर्म्स बोले और वर्टिकली भी कुछ बोला। तो हमारे पास यहाँ पर दो लाइंस आपके पास यहाँ पर भी इसी तरह से हुआ कि हम पॉइंट का कोई एड्रेस फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो दो लाइंस हम यहाँ पर लेंगे, वन इज वर्टिकल लाइन एंड अनदर इज हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे हमारे पास नंबर लाइन है हम सब सिर्फ एक लाइन का यूज करते थे, नाउ हम यहाँ पर किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए टू लाइंस का यूज करेंगे, दिस इज वर्टिकल लाइन एंड देयर इज वन हॉरिजॉन्टल लाइन। और इससे थोड़ा बहुत रिलेट करके आपने क्लास 8 में भी किया है, वर्टिकल लाइन एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये दो रेफरेंस लाइंस हमने ली और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो हमेशा हम क्या लेंगे, 0 के, और इसको 0 मान लेते हैं अभी। अब देखो जो हमारी वर्टिकल लाइन है उसको हम बोलते हैं y एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इज टेकन एज x एक्सिस, दो एक्सिस बोला जाता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन इज द x एक्सिस, वर्टिकल लाइन इज द y एक्सिस। ठीक है, तो अब यहां पर अगर सपोज करो कि मुझे एक पॉइंट मार्क करना है, सबसे फर्स्ट हम जैसे नंबर लाइन का रिप्रेजेंट करते हैं कि मेरे पास एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर नंबर लाइन है और वर्टिकल लाइन पर नंबर लाइन है, तो जैसे हम नंबर लाइन बनाते हैं सेम वैसे ही अगर मैं नंबर्स इसमें रिप्रेजेंट करूं, दिस इज 1, 2 एंड जस्ट लाइक 3, 4, 5 आगे चलता जाएगा, सेम ऐसे ही अगर हम यहाँ पर भी डिनोट करें तो जैसे यहाँ पॉजिटिव है वैसे हमारे पास यहाँ पर इक्वल डिस्टेंसेस पर नेगेटिव में मिलेगा। ठीक है, तो ये मेरे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब एक्स एक्सिस मैंने बनाई, सिंपल जैसे हम नंबर लाइन बनाते हैं वैसे। नाउ अब वाई एक्सिस पे भी सेम आपको एक नंबर लाइन बनानी है, तो हमारा 0 यहाँ है, अब ध्यान रखना है कि 0 के अबाव आपके पास पॉजिटिव चलेंगे और नीचे जो है बिलो वो आपके नेगेटिव नंबर्स चलेंगे, सो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5 लाइक दिस, और 0 के नीचे हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होंगे, दैट इज -1, -2, -3 लाइक दिस। क्लियर,
तो ये हमारा जो अभी फ्रेम आया है, प्लेन आया है, उसको बोला जाता है कार्टेशियन प्लेन। ओके, और हम अभी जो पढ़ रहे हैं नाइन्थ क्लास में और टेंथ क्लास में जो आप पढ़ोगे, दैट इज अबाउट द कार्टेशियन प्लेन। और आगे की क्लासेस में आपके पास एक पोलार कोऑर्डिनेट, पोलार प्लेन भी आएगा, तो वो अभी हमें डिस्कस नहीं करना है। वी आर जस्ट डिस्कसिंग दिस कार्टेशियन प्लेन। क्या है इसमें? अब सपोज करो कि मैंने यहाँ पर कोई भी पॉइंट मार्क कर दिया, एंड नाउ आई हैव टू गिव एड्रेस ऑफ दिस, कि आप यहाँ पर खड़े हो और आपको इस पॉइंट तक जाना है। क्लियर? तो कोई भी अननोन पर्सन है तो कैसे जा पाएगा? देखिए, हम तो सबसे फर्स्ट हम उसे इंडिकेट करेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे कि फर्स्ट यू गो टू स्टेप्स राइट ऑफ दिस वी। ओके, तो वो यहां से चलकर यहां आया, यहां से चलकर यहां आया, लेकिन अब उसको थोड़ा ऊपर भी जाना। अभी हमने राइट में चला, अब हम ऊपर भी चढ़ना चाह रहे हैं, तो अब हम उसको स्ट्रेक करेंगे कि यहां से आप थ्री स्टेप अबाव जाओ। तो वन स्टेप ऊपर आया, टू स्टेप ऊपर आया, फिर वो क्या हो गया, थ्री स्टेप, मतलब कि जिस पॉइंट को हमें पहुंचना था, जिस पॉइंट पर, वहां पर वो पहुंच जाए। ठीक है, क्या बोल रही हूँ मैं? इफ आई वॉन्ट टू गो टू दिस पॉइंट, वन पर्सन और समवन हैव टू गो, कैसे हम इंस्ट्रक्ट करेंगे उसको कि जीरो से पहले आप राइट में टू स्टेप्स चलो और फिर जहां पहुंचोगे वहां से थ्री स्टेप आप अबाव चलो। सिंपल ऐसे ही, जिसको जैसे अपन अपना एड्रेस किसी को बताते हैं कि आप सेकंड जो आपकी रो है वहां पर थर्ड मकान जो आएगा राइट में, इस तरह से हम जैसे एड्रेस करते हैं वैसे यहां पर भी हम एड्रेस करते हैं। तो यहां पर भी क्या हुआ कि टू स्टेप हम राइट में चले, थ्री स्टेप अबाव चले, तो इसका एड्रेस जिस तरह से हम मैथमेटिकली डिनोट करते हैं वो क्या होगा कि जितना पहले हम राइट में चले, मतलब कि एक्स एक्सिस पर जितना आपने मूव किया है, पहले आप वो लिखोगे देन कॉमा, अब वाई एक्सिस पर जितना आपने मूव किया, मतलब अबाव या बिलो जितना मूव करोगे वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो वो लिखेंगे। दैट मींस कि ये पर्टिकुलर पॉइंट, सपोज मैं इसको कैपिटल ए मान लेती हूँ, कि इस पॉइंट ए का जो एड्रेस है वो क्या हो गया, टू कॉमा थ्री। वो सिंपली समझ में आता है कि टू हमें पहले एक्स एक्सिस पर चलना है विद रेफरेंस टू दिस जीरो, जीरो पॉइंट जो है आपके पास उसके अकॉर्डिंग, और फिर आपको थ्री केसेस अबाव चलना है उस पॉइंट के। तो इस पॉइंट का, ए पॉइंट का एड्रेस हमारे पास है टू कॉमा। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर इसी तरह से बनता है कि आपको डिफरेंट पॉइंट्स मार्क करके दिए होंगे अलग अलग जगह और उनका आपको एड्रेस लिखना है। सपोज मैंने ए बी सी डी यहाँ पे सपोज ई मान लो ना, ये पॉइंट्स मार्क करके दिए, यू हैव टू राइट द एड्रेस ऑफ दिस पॉइंट्स। ओके, तो सिंपली हम चेक करेंगे, सिंपल देखिए, अगर हम इस पॉइंट की बात करती हूँ मैं, तो देखो क्या हुआ, जीरो से पहले एक्स एक्सिस पे मुझे कहाँ जाना है वो देखो, और आपको दो ही वर्टिकल लाइन करना है, ऐसा नहीं कि हम यहाँ से घूम कर फिर यहाँ पहुंचेंगे, नहीं, एक बार आपको वर्टिकल लाइन पर चलना है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे चलना है, फिर आपको वर्टिकल लाइन के अकॉर्डिंग देखना है। तो देखो क्या हुआ कि जीरो से पहले मैं यहाँ पर माइनस टू पर आऊंगी, और फिर माइनस टू से अगर मैं एक दो तीन स्टेप ऊपर जाऊंगी तो मैं ये इस पॉइंट सी पर पहुंच जाऊंगी। That means कि C का एड्रेस क्या होगा आपके पास, this x axis पे हम माइनस टू मूव करा और y axis पे हमने थ्री मूव करा, तो the address of this point C is माइनस टू कॉमा थ्री। Exactly, ऐसे हम सारे निकाल सकते हैं। अब देखो ऐसे ही ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है आपका, जहां पर ये x axis और y axis दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, उस पर्टिकुलर पॉइंट, दिस इज ऑल्सो ए पॉइंट है ना, जहां पर ये इंटरसेक्शन पॉइंट बोल रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो ए पॉइंट, और इसको हम कैपिटल ओ से डिनोट करेंगे, जैसे हम सारे पॉइंट्स को कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट कर रहे हैं, सिमिलरली वैसे ही हम इस पॉइंट को भी क्या है, कैपिटल ओ से डिनोट करेंगे। और इसके एड्रेस की बात करें तो ये जो ओ पॉइंट आएगा हमारे पास, ओ पॉइंट, उसका एड्रेस क्या होगा आपके पास कि हमने यहां से ना तो एक्स एक्सिस पर कहीं मूव किया ना वाई एक्सिस पर कहीं मूव किया, तो इसका एड्रेस होगा आपके पास जीरो। क्लियर? अब देखो यहां पर ये जो ओ है उसको हम ओरिजिन भी बोल सकते हैं। तो आपको सिंपली पूछा जाएगा व्हाट इज द एड्रेस ऑफ ओरिजिन, तो आपको लिखना है जीरो जीरो। अब यहां पर आप एक चीज और नोट करो कि जो मैं एड्रेस 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 वर्ड यूज कर रही हूं, दैट इज नॉट रिटन इन द योर टेक्स्ट बुक, उसकी जगह क्या वर्ड आएगा, कोऑर्डिनेट, है ना, क्या चीज आएगी हमारे पास, कोऑर्डिनेट, दैट मींस राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन।
या राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, दैट मींस वी हैव टू राइट दिस एड्रेस. तो कोऑर्डिनेट ऑफ ऑरिजिन जो है वो क्या बन जाएगा हमारे पास, 0 0. इज दैट क्लियर? तो आपके पास डायरेक्ट यही क्वेश्चन आएगा सबसे फर्स्ट कि आपको कोई कार्टेशियन प्लेन पे कुछ पॉइंट्स मार्क करके दिए हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स आप लिखो. ठीक है, नाउ द सेकंड थिंग कि अगर हमारे पास सपोज कोई पॉइंट लूम है जो यहां 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 नहीं है लेकिन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर है ना. जैसे सपोज मैं पॉइंट ले लू ये वाला, सपोज इस पॉइंट को मैं पी पॉइंट मान लेती हूँ. ठीक है, एंड आई हैव टू राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट पी, है ना. पी का कोऑर्डिनेट लिखना हमें, तो कैसे लिखेंगे? अगर तो पी तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना है कि इस ऑरिजिन जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है उससे पहले हमने बोला कि एक्स एक्सिस पर मूव करोगे आप, तो एक्स एक्सिस पर मुझे 1 2 3 4 स्टेप्स हमने राइट में शिफ्ट करा, तो हम यहाँ पे इस पी पॉइंट पर ऑलरेडी पहुंच गए, हमें इसमें ऊपर या नीचे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी. दैट मींस कि हमने एक्स एक्सिस पर 4 स्टेप मूव किया एंड वाई एक्सिस पर कुछ भी मूव नहीं किया, मतलब कि क्या है, 0. क्लियर? तो पहले आपको एक्स वाली टर्म लिखनी है और फिर वाई वाली टर्म लिखनी होगी. तो जो यहाँ पी पॉइंट है उसका एड्रेस या कोऑर्डिनेट जो है वो क्या हो गया, 4, 0. क्लियर? सेम वे सपोज अगर मैं बोलूं कि मुझे इस पॉइंट का, दिस पॉइंट क्यू, सपोज पॉइंट क्यू का एड्रेस निकालना है तो क्या होगा, जस्ट ये रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से 1 और 2 स्टेप हम लेफ्ट में चले तो हम पहुंच गए डायरेक्ट, यहाँ पर भी हमें ऊपर नीचे कहीं भी मूव नहीं करना है. तो इस क्यू पॉइंट का एड्रेस क्या हो गया, -2, क्योंकि हम लेफ्ट में चले हैं, ये -2 आया और ऊपर नीचे नहीं चल रहा, दैट मींस क्या हुआ, 0. क्यू पॉइंट का एड्रेस क्या हो गया, -2, 0. ओके, सेम ऐसे ही अगर मैं पॉइंट ले लूं ये वाला, दिस इज एस पॉइंट मान लिया, तो अगर इस एस पॉइंट पे मुझे चलना है तो देखो ऑरिजिन से ना तो मुझे राइट में चलना पड़ेगा एक्स एक्सिस पर, ना लेफ्ट में चलना पड़ेगा, डायरेक्टली हम यहीं से क्या बोलेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे कि गो 5 स्टेप्स अपवर्ड. कि डायरेक्ट अगर मैं 1 2 3 4 5 स्टेप ऊपर की तरफ चलूं तो मैं इस एस पॉइंट पर पहुंच जाऊंगी. ठीक है, तो एस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, हमने लेफ्ट राइट कुछ भी मूव नहीं किया है एक्स एक्सिस पर, दैट मींस हम ओ पॉइंट पर ही है, 0 पर ही है, तो दिस इज 0. और वाई एक्सिस पर हम 5 स्टेप मूव करें तो 0, 5 जो है वो इसका कोऑर्डिनेट. क्लियर? सेम ऐसे ही अगर हमें वाई एक्सिस पर नीचे आपको कहीं पे कोई पॉइंट दिया है, सपोज मान लो ये दिया है, दिस पॉइंट इज पी, अब पी का एड्रेस लिखना, तो सेम वे में कि 0 से मुझे लेफ्ट राइट कुछ नहीं जाना है एक्स एक्सिस पर, सिंपली मुझे ऑरिजिन से डाउनवर्ड जाना है 3 स्टेप, तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे कुछ भी मूवमेंट हमने नहीं किया है तो 0 एंड दिस इज -3. तो ये इसका एड्रेस कोऑर्डिनेट. अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यों बता रहे हैं, अब देखो इसे क्या जज किया आपने कि जब भी हमारे पास कोई पॉइंट एक्स एक्सिस का होगा तो हमारे पास एक्स की तो कोई वैल्यू होगी आपके पास, लेकिन वाई जो हम पीछे लिखते हैं वो हमेशा क्या मिलेगा, 0. दैट मींस एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है वो किस फॉर्म का होगा, एक्स कॉमा 0 फॉर्म का होगा. एंड सिमिलरली वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा तो हमारे पास वाई तो मिलेगा पीछे, लेकिन एक्स वाला हमेशा क्या मिल रहा, हमें 0 मिल रहा होगा, इधर भी 0 इधर भी 0. ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि जब भी किसी एक्सिस पर पॉइंट आएंगे, आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो एक्स और वाई में से एक वैल्यू आपके पास 0 मिलेगी. तो अगर हमारे पास एक्स एक्सिस पर पॉइंट है तो वाई वाली टर्म जो है वो 0 होगी, अगर हमारे पास वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो एक्स वाली टर्म क्या होगी, 0. ठीक है, तो इस पर बेस्ड आपके पास क्वेश्चन मिलेगा. इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके लिए एक्स्ट्रा वर्कशीट भी डालूंगी कि किस पैटर्न पे आपके क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, है ना. दिस आर इजी क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ध्यान रखना होता है और कुछ भी नहीं, कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं, कुछ भी नहीं, सिंपली आपको ये चैप्टर आपके पास नियर अबाउट 4 to 5 मार्क्स का होता है टोटल बुक के वेटेज के. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक कि इसी में देखे हम, हमने अभी तक पढ़ लिया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, देन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऑरिजिन, ओके, नाउ और कोऑर्डिनेट भी पढ़ा कि किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है. क्लियर? नाउ
Next we have to define the quadrants. Clear? So मैंने ये वापस से आपका एक कार्टेशियन प्लेन बनाया. This is my y-axis. This is my x-axis. Now, next term is quadrant. Quadrant means क्या है? जैसे हमने क्वार्टर सुना है ना, क्वाड्रिलेटरल सुना है, तो सब में क्वाड वर्ड क्या डिनोट करते हैं? वन फोर्थ क्वाड मतलब फोर इक्वल पार्ट्स. ओके, जो फ्रैक्शन में वन फोर्थ लेते हैं तो हम उसको क्वार्टर बोलते हैं. क्वाड्रिलेटरल में फोर साइड्स का पॉलीगन होता है तो हम उसे क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं. जस्ट लाइक दैट यहाँ पर भी हमारे पास क्वाड्रेंट है और इसमें क्वाड वर्ड क्या शो कर रहा है कि हमने इस पूरे प्लेन को 1, 2, 3, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. तो हर एक पार्ट को हम क्या नेम दे रहे? क्वाड्रेंट. क्लियर? सो दिस इज माय फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज माय सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज माय थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज माय फोर्थ क्वाड्रेंट. क्लियर? और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो है वो आपको एंटी क्लॉकवाइज भी मार्क करने हैं. आप यहाँ फर्स्ट, यहाँ सेकेंड, यहाँ थर्ड और यहाँ फोर्थ नहीं ले सकते. क्लियर? हमें ये एंटी क्लॉकवाइज ही चलाना पड़ेगा. दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. इज दैट क्लियर? अब देखो इसके ऊपर बेस्ड आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा कि कुछ पॉइंट्स आपको बना के दे रखे होंगे या लिख कर दे रखे होंगे एंड यू हैव टू राइट द क्वाड्रेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट. जैसे सपोज करो मैंने एक पॉइंट मार्क किया -3, 2. क्लियर? राइट द क्वाड्रेंट इन विच दिस पॉइंट लाइन, कि किस क्वाड्रेंट में ये पॉइंट आपका एग्जिस्ट करेगा. तो सबसे पहले हम इसमें बना के देखें कि कहां पे इसका एड्रेस आ रहा है, कहां पे इसका कोऑर्डिनेट है. तो देखो एक्स का -3 और वाई का 2 है. तो एक्स का -3 मतलब कि मुझे ऑरिजिन से -3 पर पहुंचना है. तो देखो ये -3, देन वाई का 2. वाई का 2 मतलब ऊपर जाना होगा, तो वाई का फर्स्ट और सेकेंड. That means कि ये पॉइंट मेरे पास यहां पर आएगा -3, 2. तो देखो कहां आया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट था. That means कि -3, 2 क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है. Is that clear? ऐसे ही सपोज मैंने आपको दिया कि -3, -1. Any point is given as -3, -1. Find the quadrant in which these points lie. तो देखो इसको भी वैसे ही हम चेक करें कि -3 that means x का मेरे पास -3 और y का 1 मतलब कि मुझे 1 step नीचे आता है. So this is my point -3, -1. So now अब चेक करो ये कौन से quadrant में आ रहा है हमारे पास? First, second, third quadrant में. That means ये third quadrant में lie. It is very easy and simple method. कुछ भी नहीं करना है. Even हम इसको बिना कार्टेशियन प्लेन पर लोकेट करने के अलावा भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है. व्हाट इज द शॉर्टकट? लुक एट हियर, क्या शॉर्टकट है इसमें हमारे पास कि हमें ड्रॉ भी ना करना पड़े पॉइंट को, ऐसे कार्टेशियन प्लेन बनाकर कुछ भी नहीं करना. सिंपली हमारे पास लिखा हुआ होगा, जैसे सपोज करो कि मेरे पास दिया है 1, -4. तो आई नो दिस इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. सपोज आई हैव रिटन 3, 2. I know this is in the first one. Suppose I have written -3, 5. I know this is in the third one. तो देखो कितना quick में इसको response कर रही हूँ. मैंने कहीं इसको plot नहीं किया, लेकिन I can give the answer of this quadrants. ठीक है? कैसे करना है? Simply you have to learn the symbols. देखो क्या है? ये हमारा first quadrant है. First quadrant में x जो आ रहा है वो क्या है? ये वाली line x-axis की coordinate है. और ये वाला पार्ट आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब इधर और इधर वाला जो ये पार्ट है आपका, दिस ऑल बिलोंग्स टू दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो यहां पर क्या नंबर होंगे? ये भी पॉजिटिव और y वाला भी क्या है? पॉजिटिव है. दैट मींस कि कोई भी पॉइंट जिसमें x वाली टर्म भी प्लस में है और y वाली टर्म भी प्लस में है तो वो क्या हो जाएगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट पर एग्जिस्ट करेगी. इज दैट क्लियर? सेम ऐसे ही हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो x क्या है हमारे पास? नेगेटिव में. और y क्या है? पॉजिटिव में. तो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए हमें सिर्फ सिंबल देखने हैं, माइनस प्लस, तो आपके पास क्या हो जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में. सिमिलरली इन थर्ड क्वाड्रेंट x इज इन नेगेटिव, y इज ऑल्सो इन नेगेटिव,
तो माइनस माइनस दैट मीन्स एक्स और वाई दोनों अगर नेगेटिव है तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में. एंड सिमिलरली फॉर द फोर्थ क्वाड्रेंट यू हैव दिस इज इन प्लस एंड दिस इज इन माइनस, तो ये आपके पास क्या हो गया रिजल्ट है. तो सिर्फ ये जो साइन का मैंने बताया है पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसके अकॉर्डिंग हम क्विक रेस्पॉन्स दे सकते. तो देखो आप खुद जज करो. सपोज मैंने लिखा 4, -5 तो 4 पॉजिटिव में है ना और y नेगेटिव है, दैट मींस कि इसका क्या है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में. सेम ऐसे ही -2, -7 बोथ आर इन नेगेटिव -, थर्ड क्वाड्रेंट. सो दिस इज इन थर्ड क्वाड्रेंट. सिमिलरली -2, -3 तो -2, -3 दैट मींस x का माइनस y का प्लस दैट मींस दिस इज इन सेकंड क्वाड्रेंट. तो ये बहुत ही इजी है ना. लेकिन यहां पर ये थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है कि बच्चा कंफ्यूज हो क्या चेंजेस होंगे. सपोज अब यहां पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेम द क्वाड्रेंट और एक्सिस ऑन विच फॉलोइंग पॉइंट्स लाइक. ये आपको कुछ पॉइंट्स दे दिए हैं और आपको बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट या एक्सिस पर ये लाइक करेंगे. जैसे -2, -4, -0, -5, -7, 0, 5 है ना. ये चार पॉइंट्स मैंने दिए इसका क्वाड्रेंट या एक्सिस बताओ. तो देखो -2, 4 एक्स का माइनस वाई का प्लस क्या आ जाएगा इसका आंसर. -2, 4 का क्वाड्रेंट एक्स का नेगेटिव वाई का पॉजिटिव, एक्स का नेगेटिव वाई का पॉजिटिव दैट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट. नाउ 3, 0 तो बोथ आर प्लस तो दोनों प्लस में मतलब कि स्टूडेंट लिखता है फर्स्ट क्वाड्रेंट. बट दिस इज रॉन्ग. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्सिस्ट नहीं कर रहा है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या बताया था कि जो इधर और इस वाले स्पेस में आपके पास आ रहा है एक्सिस पर नहीं है ना. लाइन के ऊपर नहीं, लाइन से इधर और उधर ना, ये वाले रीजन में जो नंबर पॉइंट एक्सिस्ट करेगा उसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे. लेकिन 3, 0 कहाँ है आपके पास. इस लाइन जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है मतलब एक्स एक्सिस है उसके ऊपर हमारे पास 3, 0 एक्सिस्ट कर रहा है ना. जो मैंने अभी आगे आपको बताया था कि एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट होगा तो उसका वाई जो पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा जीरो है ना. देखो यहाँ पे 3 और वाई वाला टर्म 0 है इसलिए हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट डिनोट नहीं करेंगे. दिस इज इन दिस ऑन एक्स एक्सिस क्लियर. सेम ऐसे देखो -5, -7 बोथ आर इन नेगेटिव, बोथ आर इन नेगेटिव दैट मींस दिस इज इन थर्ड क्वाड्रेंट. एंड 0, 5 अब तो इसका बता सकते हो आप इजीली इज दिस इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. नो कहां पे आएगा 0, 5 सपोज ये 5 है तो 0, 5 हमारे पास y एक्सिस पर एग्जिस्ट करता है. क्लियर. तो ये इंपॉर्टेंट है. अधिकतर स्टूडेंट इस वाले दोनों पे मिस्टेक करते हैं और एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन हर क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगा राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग फर्स्ट PT1 टू लास्ट वन. ओके हर क्वेश्चन में ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है. कभी कभी आपको क्वेश्चन में इन पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करके और फिर क्वाड्रेंट और एक्सिस बताने के लिए बोलेंगे और कभी कभी डायरेक्टली आपको पूछा जाएगा कि राइट द क्वाड्रेंट और एक्सिस ऑन विच दिस पॉइंट. इज दैट क्लियर. आई होप कि ये समझ में आ गई होगी आपको चीजें है ना कि क्वाड्रेंट हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज जैसे हमने अभी कोऑर्डिनेट के बारे में बात करी थी. कोऑर्डिनेट दैट इज द एड्रेस ऑफ द पॉइंट है ना. एड्रेस कैसे बताया था मैंने कि आपको ब्रैकेट में x, y लिखकर और उसका एड्रेस डिफाइन करना है. अब देखो इसमें जो x है उसका नाम दिया जाएगा x सीसा. व्हाट इज दिस x सीसा एंड y इज ऑर्डिनेट. क्लियर. मतलब अगर इस तरह से दिया है आपको तो हम उसका कोऑर्डिनेट बोलेंगे. इस कोऑर्डिनेट के अंदर जो x की वैल्यू है दैट इज द एक्सिस ऑफ दिस पॉइंट एंड जो y की वैल्यू है वो कोऑर्डिनेट होगा. जैसे सिंपली अगर हमें दिया है -2, 5 व्हाट इज द एक्सिस ऑफ दिस पॉइंट. सपोज टी मार्क कर दियो. व्हाट इज द एक्सिस ऑफ दिस पॉइंट टी. यू हैव टू जस्ट से द एक्सिस इज -2. व्हाट इज द ऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट टी. सो यू हैव टू जस्ट से 5. इज दैट क्लियर. नो कैलकुलेशन नथिंग इज देयर. यू हैव टू जस्ट
see this point and find out the value of this abscissa and aureole. Clear? तो जो MCQ pattern अभी आपका चल रहा है उसमें आपको ये simply पूछा जाएगा कि abscissa क्या है, ordinate क्या है, and this is ordinate and this is coordinate. Co means combined, है ना? तो coordinate जो point का address define करेगा, मतलब जो पूरा x y साथ में आपके साथ आता है, ना bracket के साथ, तो ये coordinate है और simply इस coordinate के अंदर जो x है वो आपका abscissa, जो y है आपका वो ordinate. भले आपके पास 3 कॉमा 0 है तो एक्सिस इज 3, ऑर्डिनेट इज 0. इज दैट क्लियर? तो देखो ये बहुत सारी टॉपिक्स हो गए आपके और आपको ये जानने की खुशी होगी कि आपका चैप्टर भी पूरा यहाँ कंप्लीट हो गया. राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 यू कैन एबल टू डू ऑल द 3 एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. ओके, टॉपिक आपका इतना ही था. क्या क्या था स्टार्टिंग से बताओ मैं. सबसे फर्स्ट हमने पढ़ा कार्टेशियन प्लेन. दैट मीन्स कि हमने पूरे प्लेन को दो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन से डिवाइड किया तो उसे हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं. देन द हॉरिजॉन्टल लाइन इज नेम्ड एज एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन इज नेम्ड एज वाई एक्सिस एंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस या हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हमने नाम दिया था ओरिजिन. ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या थे? 0, 0. ये जो भी मैं अभी बाद में लिखा है बता रही हूँ पूरे इस वीडियो का, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसमें से ही मिल जाएगा ना, ये लास्ट के दिमाग. तो ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0, 0. देन हमने कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट का एड्रेस निकालना सीखा बाय दिस एक्स एंड वाई, एंड एक्स जो है वो एक्सिस कहलाएगा, वाई जो है वो ऑर्डिनेट कहलाएगा. एंड द क्वाड्रेंट्स की फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ हमने पूरे कार्टेशियन प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और हर एक पार्ट को नाम दिया क्वाड्रेंट. सो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट यू हैव टू राइट इन एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म, है ना. फिर किसी भी पॉइंट का आपको क्वाड्रेंट या एक्सिस पूछ सकते हैं. तो जब भी आपके पास कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा तो वो कैसा होगा? एक्स कॉमा 0 फॉर्मेट का होगा और वाई एक्सिस पर अप्लाई कर रहा होगा तो 0 कॉमा वाई फॉर्मेट. ठीक है, एंड आपको एक्सिस और ऑर्डिनेट के बारे में बोल ही दिया मैंने. ठीक है, तो सिंपली इतना सा ही इसमें एक पार्ट है. तो डू योर एक्सरसाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड. एक्सरसाइज फर्स्ट में आपको सिंपल एक एक्टिविटी फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है, जैसे कि मैंने अभी आपको अपनी क्लास का एग्जाम्पल दिया कि फर्स्ट फोर्थ थर्ड बेंच, या आप किसी लोकेलिटी में न्यू हो और आपको किसी का एड्रेस देखना है तो हम जैसे स्ट्रीट और हाउस नंबर के हिसाब से बताते हैं, सेम वैसे ही आपको एक यहाँ पर भी क्वेश्चन दिया है तो आप खुद ट्राई करो, हो जाएगा सिंपली. दैट इज ओनली फॉर द एक्टिविटी. देन सेकेंड और थर्ड एक्सरसाइज जो है आपकी वो सिंपली मैंने यहाँ पर जो जो भी बातें कही हैं, जो भी कॉन्सेप्ट सिखाए उसी से डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट. ओके, सो डू योर क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज इन योर कॉपीज और आप उसके पिक्स मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं. ठीक है, और फिर भी कोई डाउट है किसी पर्टिकुलर पार्ट में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं. एंड विद दैट जब हम हमारा फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स वापस से इन्वॉल्व होंगे, तो इसे भूलना नहीं है, आपको आगे कंटिन्यूएशन में रखना पड़ेगा इसलिए. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे और